कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने तत्क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः ठाकुरोऽहमरे रमणविहारि हम हैं रमण बिहारि के नारायण 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 नवयुगी का संवाद में श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में पांचवें अध्याय में श्री विराज ने कर्माजन भगवान और पूर्ति भगवान की उपासना करने की विधि का संकेत किया है कि भगवान वासुदेव का अलग अलग युग में अलग अलग आकार और अलग अलग प्रकार की उपासनाएं की जाती है। तो भगवान की उपासना करने के लिए बताया गया कि चाहे वैदिकी विधि से करो उपासना, चाहे तांत्रिक विधि से करो, ये दोनों विधियों के स्वीकरण की चर्चा हाँ। दोनों ही प्रकार की उपासनाएं हैं और दोनों ही लक्ष्य तक पहुंचाती है। तो विधि के अनुसार उपासना और भक्ति करें मनमानी से, क्योंकि ये शास्त्र में विश्वच वर्तते काम कारता न सिद्धि भवा, जो शास्त्र की विधि का उल्लंघन करके मनमानी ढंग से करते हैं न उनको सुख मिलता है न परम गति मिलता है, इसलिए विधि को जानना चाहिए। तो भगवान की भक्ति कैसे करें इसके लिए प्रेम दर्शन करके या नारद भक्ति सूत्र का प्रणयन से नारद जी ने किया है।
नारद जी भक्ति के आचार्य हैं और उनकी कृपा से ध्रुव प्रहलाद आदि कितने ही भक्ति के मार्ग में चल करके सफल हुए, राक्षसों को भी उनकी कृपा से भगवान की भक्ति प्राप्त हुई, सदमार्ग प्राप्त हुआ है जो भी उनको विजय बन जाए। तो नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के कुछ लक्षण बताए सकारात्मक और कुछ निषेधात्मक लक्षण बताए कि भक्ति में ये चीजें नहीं। तो उसमें एक सूत्र आया है भक्ति के लिए सा न कामाय माना निरोधर रूपक सा माने भक्ति, उसमें कामना नहीं होती, उसमें अपनी कामनाओं का निरोध किया जाता है, ये निरोध स्वरूप। देखो बड़ा सावधान होके समझना पड़ता है, भक्ति में जितनी भी चेष्टाएं हैं वो अपने प्रियतम को प्रसन्न करने की, उनको तस्मिन तत्सुखस्वित्वम् उसमें अपने इष्ट को सुख करने की इच्छा होती, बढ़कर इच्छा होती, अपने सुख की कोई चर्चा नहीं। क्योंकि इसमें निरोध है, अपने कोई कामना ही नहीं है। देखो प्रेम में और काम में हमारे महापुरुष कहते बाल बराबर अंतर है, वही क्रियाएं काम के लिए चेष्टा भी होती है, वही क्रियाएं भक्ति की चेष्टा भी होती है, लेकिन अंतर है। अंग्रेजी की माध्यम मीमांसा है उसमें भक्ति का लक्षण बता अकाम्यासा, उसमें कामना नहीं है, कामना रहितम, अपने लिए कोई कामना नहीं है। जैसा अभी हम लोगों ने चर्चा की प्रेम और काम पिता पुत्र के जैसे ही है, श्याम भी श्याम में भक्ति है और काम में काम अपने प्रति काम है, वासना है, तो श्याम भी सांवले और काम भी प्रतिम भी सांवले, सुंदर भगवान वही रूप है, लेकिन श्याम के प्रति अगर प्रेम है तो हमारी समस्त चेष्टाएं श्याम की प्रीति के लिए ही। काम में हमको क्या प्राप्त होगा ये इच्छा होती है, और भक्ति में हम क्या कर सकते हैं अपने प्रियतम के लिए वो करने के लिए अंदर से वांछा उत्पन्न। काम में भी अपना सौंदर्य सजाया जाता है, भक्ति में भी अपना सौंदर्य सजाया बनाया जाता है। काम में अपने भोग के लिए होता है और कृष्ण की प्रीति के लिए सौंदर्य, क्या भेषा मेरा साईं दीजे सोई श्रृंगार कर, तो प्रभु की प्रीति के लिए श्रृंगार है, स्नान कर रहे हैं तो भगवान के लिए कर रहे हैं, स्नान करके सेवा करेंगे, मलमूत्र त्यागना भी शरीर की रक्षा के लिए आवश्यक है और वो प्रभु की सेवा के निमित्त है, इसलिए वो भी क्रिया भक्ति हो जाती है। और इसीलिए जो भगवान ने आदेश दिया है तस्मा सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मरणं, उसका तात्पर्य यही है युद्धचा, ये समस्त क्रियाएं तो अपनी करो, समस्त चेष्टाएं अपनी क्रियों करो जो वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार विहित हो, लेकिन सबको करते समय दृष्टि ये रहे
कि हम अपने प्रभु के लिए करें, व्यापार करो, कंपनियां करो, विद्यार्थी बनो, खूब प्रेज बनो, आचार्य बनो, खूब प्रेज बने, अरे भोजन भी बनाओ, बड़े प्रेज बनाओ, बड़े स्वादिष्ट बनाओ। हमारे पुष्टि मार्ग में तो क्या चकाचक भोजन बनता है। भगवान के लिए भोग और राग दो ही चीजें हैं, लेकिन इसमें भोग माने नैवेद्य और राग जो गाते सबके सब प्रभु के लिए है। विलासी अपने लिए राग गाता है, अपने लिए राग सुनता है, और वैष्णव भगवान की लीलाओं के पद गान करता है, उनकी लीलाओं के स्मरण के लिए, भगवान की प्रेम के लिए, प्रीति के लिए। जो प्रसाद बनता है उत्तम से उत्तम, वो भगवान के निमित्त नैवेद्य है, बन रहा है, उस समय अपने भोग की अगर इच्छा भी जागृत हो गई तो ये दोष हो गया। यदि मुंह में पानी आ गया तो चिष्ट हो गया। तो भोजन भगवान की प्रीति के लिए हो, भगवान की रुचि के अनुरूप हो। दुर्योधन ने बहुत अच्छा भोजन बनाया था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था, भगवान की रुचि के प्रति उसका ध्यान नहीं, अपने स्वार्थ के लिए ध्यान नहीं था। यद्य भोजन बहुत बढ़िया बनाए थे, भगवान ने कहा या तो कहीं हमको नसीब न हो अन्न, तो भोजन किया जाता जहां प्रेम, तुम्हारे मन में प्रेम नहीं है इसलिए हम तुम्हारा भोजन नहीं करेंगे, और हमको भोजन अन्यत्र मिल ही जाएगा, हम वहां जाके कर लेंगे। तो इसीलिए जहां प्रीति है वहां बुला बुलाया भी पहुंच गए, और वहां जाकर के जो भी छिलका जो भी साग प्राप्त हो पाए। कामना भक्ति में प्रवेश ही नहीं होना। भगवान ने प्रहलाद से कहा भैया कुछ मेरे आने में बहुत विलंब हो, कुछ हमसे वरदान मांग लो। प्रहलाद ने कहा आप हमको मिल गए स्वामी, अब हमारी कोई कामना नहीं है, आपकी प्राप्ति ही हमारा अभीष्ट है, अभीष्टतम है, आप मिल गए, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा भैया मेरी प्रसन्नता के लिए मांग लो। तो प्रहलाद ने कहा अगर आप देना ही चाहते तो आप ऐसा करो, ये वरदान दे दो कि मेरे मन में कभी आपसे मांगने की कामना ही ना उदित हो। वाह भगवान भक्तों के आगे मजबूर हो जाते हैं। तो भक्ति की पहचान है वो कामयवाना नहीं है, इसमें तस्मिन तत् सुख सुखितम है, अपनी कामनाओं का निरोध है, इसीलिए इसको निरोध रूपत्वात् कहा है। तो भक्ति का एक लक्षण कामना रहितत्व और अपनी वासनाओं का निरोध है, आवश्यक है। हमको अपने में ये लक्षण बोध करके यदि हैं सब लक्षण हैं उनको और बढ़ाए, और अगर निरोध लायक हो उनसे निवृत्त होने की चेष्टा करें, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने का ये सुगम उपाय श्री नारद जी ने बताया। परमात्मा हम सबका मंगल करें। जय श्री कृष्ण।